आप उनके म्यूजिक बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई हैव बीन हिज बिगेस्ट फैन, मतलब शुरू से उनके जैसा, और मेरे यहाँ सभी लोग, इन माय वाइफ, इन माय डॉटर हू इज 15 इयर्स ओल्ड, अच्छा, वो मधुबाला के जितने गाने थे, या एक लड़की बीजी वाणी सी, या माना जनाब ने पुकारा नहीं, हाँ, से लेके कि जितने गाने थे हम लोग, सारे के सारे गाने, और वो इतने इंटेलिजेंट कंपोजर थे। देखिए, एक जमाने में उन्हें सारे गाने आशा जी से गवाए थे, फॉर वट एवर रीजन, तो वो टाइप ऑफ सॉन्ग आप सुनिए, दे आर कंपोज कीपिंग आशा जी इन माइंड, जितने गाने थे। उसके बाद फिर लतांडी के साथ जितने गाने थे, वो लगता था कि रवि साहब के जितने गाने थे, गाइड का गाना सुन लीजिए या कोई भी गाना सुन लीजिए। एक गाने का रेफरेंस हमेशा पापा देते थे, कौन से फिल्म में था, मेरा मन तेरा, हाँ, ये लेट आगे गैम्बलर का है, देव साहब का ही था ना, देव साहब का पीछे, मेरा मन तेरा, तो पापा हमेशा बोलते थे इसका भी अंतरा सुनो, तो गैप कितना था, डर टर डर, अभी अगेन लिंक लाइन, लैंडिंग इज सो ब्यूटिफुल। और अगेन ये अंतरा कौन सोच सकता है, इज ओनली एस डी वर्मा। सो वी हैव बीन वेरी बिग फैंस ऑफ वर्मा ऑल थ्रू आउट, एंड ही वॉज एन एवरग्रीन कंपोजर। और मेरे ख्याल से लास्ट फिल्में जो थी उनकी, कभी काफ़ी एज हो गया था तभी, बट ऐसा लगता था किसी यूथ ने ये गाना कंपोज किया, इवन मेरे सपनों की रानी, हालांकि कोई टीनेजर ने बनाया, द स्पिरिट ऑफ दैट सॉन्ग, या वो रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, ऑल द सॉन्ग्स, आराधना और बिफोर दैट और इवन आफ्टर दैट, गाइड वगैरह, वो भी तो नहीं कहता ना, अच्छा जी मैं हारी, हाँ, क्या कंपोजिशन थी, फिर वो सब तू कहा, तू कहा ये बता, इस गाना सुनते ही आपको समझ में आता है कैसे पिक्चराइज किया होगा, क्या वो तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, फिर वो जो एक गाना था जो कुतुब मीनार में सपोज टू, हाँ, स्टेयरकेस के अंदर था, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार वो बनाया गया था, हाँ, वही विजय आनंद, विजय आनंद, दिल का भवन करे प्यार का राग सुनो, वो आप बोल रहे हैं, वो भी कमाल, सारे सिंगर्स से रफी साहब के कितने कमाल कमाल के, सबके समझदार के, जिससे भी कमाल, वही वो सोच लेते थे, he used to have the singer in till the end he gave, in fact उनके बारे में सोचो तो हर आदमी का स्पिरिट बुलंद रहता है, even we feel that we can keep working, yeah, when he could do it, you know, such an inspirational person. तो वही मैं कह रहा था कि बर्मन दादा का जो मैंने अभी किस्सा सुनाया कि लाउड में सब अच्छा लगता है, उसकी उसी का एक्सटेंशन आप बोलिए, हाँ जी, कि मेरे ख्याल से कि जो डेसिबल्स होते हैं साउंड के, आर ईयर्स आर डिजाइंड इन सच ए वे कि एक लेवल से ऊपर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज, हाईज लोज मिड लोअर मिड अपर मिड, कुछ नहीं समझ में आता है, खाली ढाम 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 ढाम, इट डजंट कैच ऑल दैट। जैसे हम लोग ने महबूब स्टूडियो में बहुत से गाने रिकॉर्ड किए, वहाँ का जो सिस्टम था ब्लास्टिंग वॉल्यूम पे वहाँ रिकॉर्डिस्ट अपना गाना रिकॉर्ड करता था, स्पीकर ऑल्सो ह्यूज, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उसी में मज़ा आता था। तो मैं तो एक तो रिहर्सल में अंदर बैठता ही नहीं था,
बार रिहर्सल हो गया एक बार थोड़ा सा सुन के, इवन इन द फाइनल रिकॉर्डिंग जब टेक चल रहा होता था, देयर वाज अ कैबिन आउटसाइड द रिकॉर्डर्स रूम. दिस कैबिन वाज रिकॉर्डिंग रूम से आप निकलिए, उसमें एंटर कीजिए, फिर एक दूसरा मोटा दरवाजा था, वहाँ से आप म्यूजिशियंस के तरफ जाइए. इट वाज डिजाइंड इन सच अ वे, इट वाज जस्ट लाइक अ पाथवे कनेक्टिंग, बट इट वाज अ रूम. हाँ जी. तो मैं वहीं पर बैठता था एक कुर्सी लगा के, और जब रिकॉर्डिंग शुरू होती थी तो वहाँ एक तो छन के फिल्टर्ड साउंड आता था. इट वॉज आई थिंक मस्ट बी 30% ऑफ द वॉल्यूम व्हाट यू आर लिसनिंग टू इनसाइड. हाँ जी. वहाँ भी मैं उंगली कान में ऐसे रख के और एडजस्ट करके कि मुझे कितना लाउड चाहिए, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी परकशंस वगैरह वहीं पर जजमेंट होता था, ठीक है, एकदम वो ब्लास्टिंग वॉल्यूम में यू कैन नॉट जज. तो मैं यही कह रहा हूँ कि 60s 70s में भी बर्मन दादा ने तब से उनकी सोच, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, कि लाउड में किसी भी म्यूजिक का जजमेंट तो हो ही नहीं सकता. He was so particular even that time. Thank you.